साध्वी पर्वधी रत्ना श्रीजी महाराज निमित्ते अलकापुरी जैन संघ में आज रविवार विराट धर्म सभा उचाई थी। तमाम जैन संघोए स्वर अंजलि आपी एडवोकेट निसर्ग नीरज जैन PIL गुजरात हाईकोर्ट में दाखल करशे। आचार्य रत्न सुंदरी श्री तथा आचार्य उदय रत्न सूरी महाराज की निश्रा में विराट धर्म सभा योजाई। संसारीपणा में फेशन डिजाइनिंग में मास्टर थयेला दीकरी पूनमे 24 वर्षनी वये 1.5 वर्ष पूर्व दीक्षा लई पूर्वधी रत्ना श्रीजी नाम धारण कर्युं हतुं। 4 दिवस पहला करजण पासे मार्ग अकस्मात में कार धर्म थयो छे, जेथी जैन समाज में आघातनी लागणी प्रवर्ती रही छे। तेम जैन अग्रणी दीपक शाहे जणाव्युं, आजे अलकापुरी जैन संघ में जैन समाज तथा भारतभरना जैन संघों की शू जवाबदारी छे अने जैन संघों शू उत्तरदायित्व होवुं जोईए ए विषय पर आचार्य रत्नचंद्र सूरी तथा आचार्य उदय रत्न सूरी महाराज साहिब निश्रा में एक विराट धर्म सभा तथा स्वरांजलिनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां विहार सेवा ग्रुप वडोदरा करजण डभोई पादरा तमाम जैन संघों तथा वकील उपस्थित रह्या हता। आजना कार्यक्रम में मुंबई सुगम संगीतकार जयदीप स्वादाया खास उपस्थित रहा। आचार्य उदय रत्न सूरी महाराज साहिब की रचनाओं ने स्वरबद्ध करी लोकोने मंत्रमुग्ध करी दीधा हता। आ प्रसंगे काल धर्म पामनार पूर्वधी रत्ना श्रीजी महाराजना संसारी माता पिता पण पधार्या हता, तेम ट्रस्टी प्रशांतभाई साहे जणाव्युं हतुं। आजनी धर्मसभा में जाणीता गुजरात हाईकोर्टना धाराशास्त्री निसर्गभाई प्रकृति जैन तथा नीरज जैन सहित वकीलोए केवी रीते PIL दाखल करी शकाय ते अंगेनी मार्गदर्शन आप्युं हतुं। त्यारबाद आचार्य रत्न सुंदरी तथा आचार्य उदय रत्न सूरी महाराज साहेबना जैन संघोनी शुं भूमिका होवी जोईए ते अंगे विस्तृत मार्गदर्शन अने व्याख्यान आप्युं हतुं, एम ट्रस्टी हिम्मतभाई साहે જણાવ્યું હતું। આજથી લગભગ 4 દિવસ પૂર્વે કરજણ હાઈવે ઉપર એક અકસ્માતની અંદર અમારા સાધ્વીજી ભગવંતનું કાળ ધર્મ થયો હતો। आ घटना समग्र जैन समाज माटे, भारत वर्षना जैनों माटे, विश्वना जैनों माटे खूब आघातजनक घटना हती। आजे एमनो स्मरणांजलिनो कार्यक्रम छे। पावन निसरा परम पूज्य आचार्य राज चंद्र सूरीश्वरजी महाराजा अने जेमने हजार करता वधारे जैन स्तवनाओ वगैरह रचनाओ करी छे एवा विद्वान एवा उदय चंद्र महाराज साहेब आचार्य भगवंत एमने निसरा में समग्र कार्यक्रम चाली रह्यो छे। अत्यारे वडोदरा शहरना तमाम जैन संघोना अग्रणीओ अहींया आव्या छे। गुरुदेवनो विषय छे के आवा प्रकारनी घटना बने तो जैन समाजनुं शुं उत्तरदायित्व छे, जैन समाजे जैन संघे शुं करवुं जोईए। आवा श्रमण श्रमणी भगवंतो लगभग एक अंदाज प्रमाणे वर्षे 15-20-25 जेटला आवा अकस्मातो थाय छे अने जेनी अंदर आवा जंगम मिलकत एवा जैन शासनना साधुओनी अकस्मातमां काळधर्म थाय छे। तो आना माटे शुं करी शकाय एवी विचारणा करवा माटे पण गुरुदेव आजे मीटिंग बोलावी छे अने जे साध्वीजी भगवान छे एमना स्मरणांजलिनो कार्यक्रम आखो करवामां आवेलो छे अने अमारा नीरजभाई जैन अने बधा ज वकीलो बधा ज प्रकारना लोकोने अहींया बोलावामां आव्या छे के भाई आवी घटना बने त्यारे पुलिसनी पासेथी तलसपरसी तपास केवी रीते थाय। एटले नीरजभाई कहे छे के हूँ दीपकभाई आवुं छूं, मारे गुरुदेव साथे चर्चा करवी छे। अमारा प्रशांतभाई, अमारा हिम्मतभाई अने बधा ज लोकोए के हवे आगामी दिवसोमां आवी कोई घटना बने तो तरत लोको पहोंची जाय, तरत एने साता मळे, श्रद्धा मळे। बाकी बधा विषयोनी गहनपूर्वकनी चर्चा आजे गुरुदेवनी अहींया करवामां आवेली छे। जय जिनेन्द्र। અલકાપુરી સંઘમાં આચાર્ય રત્નચંદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા, આચાર્ય ઉદય રત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા અને આદિઠાણા સાધુ સાધ્વી ભગવંતો વડોદરામાં પધાર્યા છે। આજે સવારે સામયું થયું, ગુરુદેવ અહીંયા અલકાપુરી શ્રી સંઘમાં પધાર્યા છે। આજે સવારે 9 વાગ્યાથી જે સાધ્વીજી ભગવંતનો કાળધર્મ થયો છે એના સંદર્ભમાં આખો સ્વરણાંજલિનો કાર્યક્રમ અને આગામી પણ બીજા શું કાર્યક્રમ છે, આજે તમામ શહેરના જૈન સંઘો ભેગા થયા હતા અને એમાં શું વાતચીત થઈ અને આમાં કેવી રીતે આગળ વધવું છે આપણે આચાર્ય ઉદય રત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજને પૂછ્યું। ધર્મસભા મારો સંઘ અને મારા શ્રમણી એ વિષયે ધર્મસભા સમસ્ત વડોદરા સંઘોના લેવલ પર થઈ
तमाम संघों अग्रणी बोलाव्या था। तमाम बिहार ग्रुप आसपासना गामों संघों तमाम युवा मंडलों बच्चा की हाजरी में एक निर्णय एवं लेवायो कि आ रीते वारंवार साधु साधु भगवंतना अकस्मात थी कालकर्म थाय छे एना माटे श्री संघे कंई करवू जोईए। सरकार पासे वर्षोथी आनी मांगणी होवा छतां पण એનું કોઈ પણ નિરાકરણ આવી શકતું નથી ત્યારે શ્રી સંઘે એક એવો નિર્ણય કર્યો કે આના માટે કોર્ટના લેવલ પર એટલે કે લીગલ કાર્યવાહી કરીને પણ આ એક માંગણી માત્ર સાધુ સાધુજી ભગવંતો માટે નહીં પણ ભારતીય નાગરિક હોવાના નાતે તમામ પદયાત્રીઓ માટે કે રાહદારીઓ માટે વિશિષ્ટ સુરક્ષાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ એવી એક પીઆઈએલ કરવાનું આજે સંઘે નિર્ણય કર્યું અને એ નિમિત્તે એડવોકેટ નિસર્ગ જૈન અને એ બધાએ પણ આમાં સહમતિ દર્શાવી અને ઈચ્છા દર્શાવી છે કે બહુ ટૂંકા સમયમાં હવે આના માટેનું આગળનું કોઈપણ પગલું શ્રી સંઘ તરફથી લેવાશે એવું આજે ધર્મસભામાં નિર્ણય કરવામાં આવ્યું। સાથે સાથે શ્રમણી વંદના એટલે કે જે સાધુ ભગવંતો આ રીતે અચાનક કાળધર્મ પામ્યા એમનું શ્રી સંઘ માટે શું યોગદાન હતું અને શ્રી સંઘનું સાધુજી ભગવંતો માટે શું ઉત્તરદાયિત્વ હોઈ શકે એ બધી ચર્ચા આજે ધર્મસભામાં થઈ। હવે પછી 20 નવેમ્બર 1 અને 2 ડિસેમ્બર એમ 3 દિવસનો મહોત્સવ મુનિવર રાજ દર્શન વિજયજી મહારાજ સાહેબ એમને ગણિપત પ્રદાન કરવા માટે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે એ પ્રસંગ પણ અકોટા જૈન સંઘમાં જ યોજાશે। ऐश्वर का वादा उम्मीद से ज्यादा ऐश्वर का वादा उम्मीद से ज्यादा ऐश्वर ट्रैक्टर बॉम्बी टॉर्क वाला काम करे हरदम ज्यादा ज्यादा उम्मीद से ज्यादा ऐश्वर का वादा उम्मीद से ज्यादा ऐश्वर का वादा उम्मीद से ज्यादा ऐश्वर ट्रैक्टर बॉम्बी टॉर्क वाला काम करे हरदम ज्यादा ज्यादा उम्मीद से ज्यादा ऐश्वर्य का वादा उम्मीद से ज्यादा आयशर का वादा। क्योंकि केवल आयशर के कॉम्बी टॉर्क से आप पाएं इंजन और गियर बॉक्स का अनोखा तालमेल।